अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां विद्या पैलेस कॉलोनी में वंदना रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस अभी भी बेसुराग नजर आ रही है। पुलिस ने महिला के पति राहुल रघुवंशी से लेकर उसे कॉल करने वालों पर और उसकी सहेलियों से भी पूछताछ की। इसके साथ ही उनकी लोकेशन की भी जानकारी निकाली, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। महिला के अनैतिक गतिविधियों से लिप्त होने की बात पुलिस के सामने जरूर आई है। इस एंगल पर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। दरअसल रविवार दोपहर को विद्या पैलेस कॉलोनी की एक बिल्डिंग में वंदना पति राहुल रघुवंशी निवासी नंदा नगर क्षेत्र की खून से सनी लाश मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। FSL की टीम ने भी जांच किया। महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जहां महिला का शव मिला, वहां आसपास खून फैला हुआ था। FSL टीम को पहले आंख में मिर्चा झोंक कर फिर हत्या करने की बात पता चला, क्योंकि घटना स्थल पर मिर्चा पाउडर भी उन्हें मिला। जिस कमरे में ये घटना हुई, वहां पुलिस को संघर्ष के निशान भी मिले। कुछ दिनों पहले ही वंदना इस घर में किराए से रहने आई थी। वंदना ने पति को यही बताया था कि वह टिफिन सेंटर पर काम करती है। TI संजय शुक्ला के मुताबिक वंदना के मोबाइल की कॉल डिटेल में उसकी सहेलियों और कस्टमर के नंबरों की जानकारी मिली। इसके बाद सभी से पूछताछ और उनकी लोकेशन निकाली। हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो वंदना की मौत के बाद भी उसके मोबाइल के कॉल किए। जिन लोगों ने फोन किए थे, उनका भी वेरिफिकेशन किया गया। TI के मुताबिक फिलहाल हत्या का मामला ब्लाइंड है। ये बात भी सामने आई है कि वंदना पिछले 3 साल से वह अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थी। टिफिन सेंटर का सिर्फ नाम ही था। इस मामले से लड़कियों से पूछताछ में पता चला कि इस काम में सिर्फ व्यवहार ही काम आता है। जब विश्वास होता है तो लोग आते हैं। उन्होंने बताया इस मामले में पारिवारिक लोगों से भी जानकारी निकाली गई, लेकिन पारिवारिक विवाद की बात भी सामने नहीं आई है। ना ही पति से कोई विवाद की बात चली है। पति से भी पूछताछ की, भी उसकी भी लोकेशन निकाली, लेकिन कोई शक अभी तक सामने नहीं आया। इस मामले में वंदना के घर के आसपास के लोगों से, उसे जानने वालों से, संदिग्धों से ऐसे करीब 30 से 35 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली, मगर पुलिस को यह आशंका जरूर है कि किस परिचित ने ही इस घटना को अंजाम दिया है।